बक्सर नगर के विभिन्न पूजा पंडालों में डीजे बजाए जाने की सूचना पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासनिक टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर के प्रमुख स्थानों से डीजे जब्त किए। ज्योति प्रकाश चौक और मल्लाह टोली में सबसे पहले डीजे जब्त किए गए। इसके बाद टीम ने पूरे नगर में भ्रमण किया। एसडीपीओ धीरज कुमार ने जानकारी दी कि पहले से ही पूजा समितियों को डीजे बजाने पर रोक की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि डीजे बजाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्योति प्रकाश चौक पर डीजे जब्त किए जाने के बाद स्थानीय युवाओं ने विरोध जताया। इस दौरान भाजपा नेता अमित पांडे मौके पर पहुंचे और पूजा समिति के युवकों का समर्थन करते हुए डीजे वापस दिलवाने में मदद की। हालांकि स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में डीजे बजाना नहीं है। ज्योति प्रकाश चौक की पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्हें शांति समिति की बैठक में डीजे न बजाने की हिदायत दी गई थी। हालांकि वे डीजे नहीं बजा रहे थे, बल्कि केवल डीजे का साउंड बॉक्स रखा था। उन्होंने यह भी बताया कि नगर के अन्य स्थानों पर डीजे बज रहा है और प्रशासन को वहां भी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। चाहे जो भी हो, नियमों का पालन न करने वालों को प्रशासन बख्शेगा नहीं। सबसे पहले तो बता दूं कि प्रशासन जिस तरीके से यहाँ पे दुर्गा पूजा का ये नवरात्र का त्यौहार है और इस बीच में प्रशासन ने यहाँ पे किया गया कि यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो लिखित में यहाँ पे दे भी दिया गया कि ये डीजे बंद हो चुका था। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रशासन क्या करती है कि कुछ सिपाहियों को भेज करके यहाँ से पूरा डीजे बॉक्स उठवाने का काम किया गया। ये पूरी तरीके से क्या है कि प्रशासन की ज्यादती और मनमानी है इस तरीके से, क्योंकि लिखित में आपने दे दिया, फिर उसके बाद उठवाने का ये क्या तरीका है? आप कौन सा, मतलब कि आप माहौल बनाना चाहते हैं, आप क्या प्रशासन का ये कहना है कि जब शांति समिति की बैठक में सारी बातें क्लियर हो चुकी थी तो फिर डीजे लगाने का मतलब क्या? देखिए, शांति समिति की बैठक में बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, तो ठीक है, यहाँ पे जो भी पंडाल के जो भी लोग हैं उनसे गलतियाँ हुई, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो उसके बाद फिर आप अगर उसको आप उठाते हैं, आप वहां से अपने कब्जे में लेते हैं, तो ये कौन सा आप, मतलब कि क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, उसे आपने क्या साबित कर दिया, प्रशासन ने क्या साबित किया? आज वापस तो मिल गया सर। हाँ, वापस मिल गया, तो वापस मिलने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। लोग थाने में गए, काफी देर तक यहाँ पे लाइट कटी रही, प्रशासन ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने जब लाइट काट दिया, पूरे यहाँ पे अंधेरा हो गया, तब जाके प्रशासन पे कहीं ना कहीं दबाव आया, उसके बाद प्रशासन ने लौटा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जितने मजिस्ट्रेट्स की या जितने पुलिसकर्मियों की यहाँ पर नियुक्ति की थी वो यहाँ नहीं थे, अगर रहते तो साथ लगने नहीं देते? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रहते, देखिए वो क्या है कि अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो जिस तरीके से प्रशासन, सबसे पहला तो प्रशासन की ही ये कोताही कही जाएगी कि जिस तरीके से आप अगर कह रहे हैं कि ये नवरात्र का त्यौहार है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ऐसे भीड़ भाड़ में त्यौहार में हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, तो प्रशासन की क्या लापरवाही आप खुद देखिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद थी, लेकिन अभी प्रशासन कहाँ है? तो ये जो एक बहुत बड़ा एक चीज है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे भीड़ भाड़ में हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों के ऊपर दबाव बनाने का और पंडाल जो भी पंडाल के वो है उन लोगों पे दबाव बनाने का काम कर रही है, प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं। आप इससे बात करेंगे अधिकारी? हाँ बिल्कुल, प्रशासन से इसके बारे में बात होगी, आगे बात होगी, हम आगे भी हम प्रशासन से कल बात करेंगे कि ये जो है कि आप इसको नवरात्र के त्यौहार को इस तरीके से, देखिए आप कई चीजों पर मैंने देखा कि प्रशासन ने जिस दिन शांति समिति की बैठक हुई, तो शांति समिति की बैठक में पंडाल के लोगों को तो ये बता दिया गया कि आपको ये चीज मुहैया करानी है, लेकिन सबसे पहली चीज है कि प्रशासन की तरफ से क्या मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पे जो प्रशासन है या नगर परिषद की तरफ से क्या मुहैया कराया जाएगा, आप देख लीजिए, क्या बाईपास में देख लीजिए, ये भी तो बात हुई थी कि बाईपास में भी इस बार लाइट नहीं है, कहाँ आपको लाइट दिख रहा है? आप देख लीजिए कहीं भी भीड़भाड़ में, तो जहाँ कहीं भी लाइट नहीं दिख रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ कांड होगा, तो फिर उसके बाद प्रशासन के ऊपर ये आएगा ना, प्रशासन तो कोताही बरत रहा है, प्रशासन कौन सा अपना काम ढंग से कर रही है? तो लोगों से गलती हो गई तो वो भी गलती है छोटी सी। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।